आचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। चलिए आचार्य जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो आपके आशीर्वाद का इंतजार करते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि आज का राशिफल क्या है। प्रथम गणेश वंदना और गणेश जी का आवाहन। विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुरप्रियाय, लंबोदराय, सकलाय, जगद्दिताय, नागाननाय, श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय, गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से गणेश जी का आवाहन, शुभ कार्यों की उत्पत्ति और गुप्त नवरात्र का पावन पर्व ये आज से शुरू भी होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी शुभताएं भी हैं और अशुभताओं को दूर करने के छोटे छोटे उपाय भी हैं। बहुत सारी बातें हैं, हम जानेंगे, और बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के 1 से 12 यानी मेष से मीन राशियों का हाल, पंचांग इत्यादि हम सब पे चर्चा करेंगे। आपके दिन बहुत बहुत शुभ हों। आचार्य जी, कल सूर्य ग्रहण बीता है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं मेष से लेकर मीन तक राशिफल क्या है, आज क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, वो सारी जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। जी, उसी के अनुसार आज हम जरूर बताते हैं। एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा गुप्त नवरात्र का प्रभाव क्या रहने वाला है राशियों पे। हम जानते हैं मेष राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई भी नई योजना, यानी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई नई योजना का जरूर सहारा मिलेगा। इस प्रकार से हो सकता है तो शुभ कार्य भी कर लें। शुभ कार्य क्या कर सकते हैं, आप एक सिक्का ले लें और जमीन में उसको, आज मट्टी हो जहां पे, यानी कच्ची भूमि हो, वहां पे आप दबा दें। शुभ रंग आज आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए सफेद रहने वाला है। ग्रहण का प्रभाव ऐसे ही दूर होगा आज, और अच्छे फल भी मिलेंगे। क्या नहीं करना चाहिए आज आपको, किसी भी संबंधों में कहा सुनी होने की संभावना है, लेकिन आपकी वाणी ही आपको बचा सकती है, यानी आपको सुंदरता और सुहृद तरह से, यानी वाक्पटु होने की जरूर आज आपको चेष्टा करनी चाहिए। वाणी पे संयम जरूरी है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों, कई प्रकार की जिम्मेदारियों के कारण आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं, और इतने व्यस्त हो सकते हैं कि आपको घरेलू जीवन से संबंधित या अन्य किसी प्रकार के जीवन से संबंधित आप थोड़ा सा बाहर रह सकते हैं उस जीवन की परिधि से, यानी आज व्यवस्था देखने के साथ साथ व्यस्तताओं का दिन है। क्या करना है माता पार्वती को, गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन है, चुनरी चढ़ाना बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं, और लाल रंग की चुनरी के उपरांत नीले रंग का आज प्रयोग करें। नीले रंग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आज आप पाएंगे कि आपके दिन और आपका जीवन में सौहार्द बढ़ा है, और सक्सेस का फैक्टर भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि वालों को, चूँकि शुक्र की राशि है, इसलिए एक कार्य जरूर नहीं करना चाहिए, वो ये कि संबंध, यानी व्यवसायिक संबंध जहाँ तक हैं, साथ में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनसे अपने संबंध अच्छे करें, लेकिन टिप्पणी ना दें, अनर्गल और अनर्थक टिप्पणियों से बचें। मिथुन राशि की अब हम बात कर लेते हैं। ज़रूरी काम आपके ज़रूर पूरे होंगे, कुछ खास लोगों से आपको तारतम्य बना के चलना पड़ेगा, और वो खास लोग आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, उनसे जरूर कुछ ना कुछ आज आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है अपनी चीजों को ठीक करने के लिए। क्या करना है आज, प्रभाव ले दिन का, बुधवार के हिसाब से कार्तिकेय भगवान को आज आप प्रणाम यदि करेंगे तो आज आप पाएंगे कि आज आपके जीवन में खुशहाली आई है, पीले रंग का प्रभाव अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना है, जीवन साथी से आज आपको, या आपके जो पार्टनर्स हैं, या जो आपको दैनिक जीवन में मदद करते हैं डेली, उनसे विवाद नहीं करना है, और काले वस्त्रों का परहेज करना है। छोटी छोटी बातें होती हैं, राशि अनुसार होती हैं। कर्क राशि की अब हम बात कर लेते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, कानून और अन्य मामलों में यदि आप संलिप्त हैं, या है लिप्त हैं, या आप कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अन्य क्षेत्रों के लिए निजी संबंधों में सुधार के साथ ही सफलता मिल सकती है। क्या करना चाहिए आज आपको, आपको आज गाय का दूध पानी में डाल के जरूर आज आपको नहाना चाहिए। वैसे भी ग्रहण के उपरांत स्नान आदि का महत्व होता है। शुभ रंग आज आपके लिए हरा। कर्क राशि वालों, क्या नहीं करना है, कोई भी बड़ा फैसला आप अभी ना लें, क्योंकि आप
डबल माइंडेड यानी ड्यूअल, दो तरफा आप हो सकते हैं। इसलिए दो तरफा होने में आपके दिमाग भी सही प्रकार से संचालित नहीं होगा, आप गड़बड़ डिसीजन ले सकते हैं यदि आज किया जाए तो। तो आज बड़ा फैसला आपको अवॉइड करना चाहिए, डबल माइंडेड आप हो सकते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार की विचारधारा ना लेके चले। अब बात करेंगे सिंह राशि की, सूर्य की राशि। ऑफिस में आपकी इमेज बढ़ेगी और इसके साथ साथ किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित, यानी आने वाले समय में आपको जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है उससे संबंधित आज आप कोई बड़ा फैसला लेंगे कि उसको ठीक प्रकार से कैसे करना है, यदि करना है तो। तो इस प्रकार से प्लानिंग पूरी मजबूत रखिए। क्या करना है आज आपको, घर के पूजा स्थान पर यानी पूजन स्थल पर पानी से भरा हुआ तांबे का आप एक कलश जरूर आज आप स्थापित करिए। इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और सिलेटी रंग, ग्रे रंग का प्रभाव आज आपके ऊपर रहेगा। वस्त्र इत्यादि पहन सकते हैं। क्या नहीं करना है आज आपको, पार्टनर से यानी अपने अभिन्न लोगों से जरूर झूठ नहीं बोलने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि विवादित हो सकते हैं। तो आज विवादों से भी दूर रहिए। किसी भी प्रकार का विवाद स्वयं का या कानून से संबंधित बिल्कुल ना पालन करिए, इसको जरूर पालन करिए और बिल्कुल भी उसकी अवहेलना ना करिए। कन्या राशि की बात हम करते हैं। सपनों को पूरा करने की दिशा में दशा आपकी सुरक्षित हो रही है, लोगों की आपको बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है और आपके साथ ग्रुप बना के लोग मदद करने को तैयार आ रहे हैं। क्या करना चाहिए आज आपको, सौंफ खाना चाहिए, आज आपको मिश्री खाना चाहिए, थोड़ा सा वार दोष का भी प्रभाव दूर करने के लिए आपको ये करना चाहिए। नीला रंग आज आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। क्या नहीं करना है आज आपको, लेन देन में, निवेश में, इसमें आज आपको रिस्क नहीं लेना है। और दूसरी बात यह है कि बिना मांगे कोई भी सलाह आज ना दीजिए, यानी कि फालतू की सलाह किसी को भी ना दीजिए। तुला राशि की अब हम बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों, ज़्यादातर मामलों के लिए आपका दिन आसान है, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य इसके लिए, और जिसमें भी कठिन कार्य यानी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वो आपके सुलझ जाएंगे, यानी आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। विष्णु जी की आराधना करने से ही आपको आज पूर्ण लाभ मिलने की स्थितियाँ बन रही हैं। साथ के साथ गुलाबी रंग, और गुलाबी रंग में ये भी कर सकते हैं कि गुलाब के फूल भी इष्ट देव को चढ़ा सकते हैं या किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। क्या नहीं करना है आज आपको, कॉस्मेटिक चीज़ों पे या थोड़ा सा जो आपकी साज सज्जा से संबंधित वस्तुएं हैं इसके ऊपर आज पैसा खर्च ना करें, शुक्र खराब हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, मदद के लिए आप जरूर पहल करेंगे, मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप बहुत मददगार व्यक्ति हैं और लोगों की उदारता से आपके कार्य पूरे होंगे, क्योंकि आप में भी उदारता है, लोगों में भी उदारता है। तो अब ये मान के चलें कि अब थोड़ा सा उदार होने का समय आपका लाभान्वित करने वाला ज़रूर बनेगा। क्या करना है आज आपको, सुबह उठकर बिना बोले कांटेदार पौधे में आज आपको पानी डालना है। दूसरी बात यह है कि आप कांटेदार पौधे को अपने घर के बाहर ही रखें या अपने स्थान के बाहर ही रखें, कच्ची मिट्टी इत्यादि में ही रखें, वहाँ जल दें। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों को क्या नहीं करना है। वृश्चिक राशि वालों, रिस्क लेने की पोजीशन में इस समय आप नहीं हैं, इसको अच्छी भाली भांति समझ जाएं। दूसरी बात यह है कि वाणी पे भी संयम, एकदम से भड़क ना जाएं किसी बात पे, क्योंकि भड़क सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है जिससे कि आपका भड़काव बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, नवी राशि रिश्तों के लिए खास दिन रहने वाला है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है और इसके साथ साथ जो अच्छे संबंध बना रहे हैं और जो विवाहित हैं उनका बहुत अच्छा संबंध और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति भी होना निश्चित है। धनुराशि का प्रभाव शुभ है। क्या करना चाहिए, हल्दी, केसर और चंदन ये तीन चीज़ें ले लें और लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, उनके चरणों में तिलक लगाएं। शुभ रंग आज आपके लिए लाल है। छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे ही उपाय से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। धनुराशि वालों, किसी खास काम के लिए आप बहुत ज़्यादा जिद्दी होने का रवैया यानी
जो एक नकारात्मक रवैया है उसको आप ना अपनाएं, जिद से बचें, क्योंकि काम आपके बिना कुछ जिद किए भी हो सकते हैं, ये आज आपको समझ में आएगा। अपने को निश्चित रूप से परेशान करने में कोई भी फायदा नहीं है। मकर राशि वालों, पैसे के मामले में समय से आपको मदद मिल सकती है और इस प्रकार से आपको सरकारी गैर सरकारी लाभ भी हो सकता है। इसके साथ साथ पदोन्नति यदि नौकरी में है या किसी भी कार्य में है आपको मिलेगी। क्या करना है? गरीबों को वस्त्र का दान करना, वस्त्र दान अन्न के बाद श्रेष्ठ दान होता है। शुक्र और बुध की समस्याओं को दूर करता है ये दान। क्या नहीं करना है मकर राशि वालों, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। घर से निकलने के बाद या कहीं भी आप निकल रहे हैं, किसी भी स्थान से जहां रहते हैं, उसके बाद आप पीछे मुड़ के कम 20 कदम ना देखें। कुंभ राशि वालों की बात हम करते हैं। आज अच्छे लोगों से मुलाकात होने की संभावना है, नए लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। बड़ी योजनाओं, बड़े विचार पे विमर्श करने का आज दिन है, लेकिन थोड़ा सा घरेलू जीवन में किसी की अस्वस्थता के कारण मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? घर और ऑफिस से फालतू का स्टेशनरी, कागज और घर पे भी कूड़ा करकट इत्यादि सब निकाल दें। दूसरी बात, आज काले रंग का प्रभाव आज आपको अच्छा देगा। काले रंग के वस्त्र इत्यादि, उपवस्त्र इत्यादि आप पहने तो निश्चित रूप से आज आपको सहायता प्राप्त होगी। ग्रहों की सहायता प्राप्त करने के लिए आज आपको ये कार्य करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, क्या नहीं करना है आपको? आज विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी की भी भावनाओं को या किसी के भी परिचित या अपरिचित लोगों को, या तो अगर आप सही राय दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भावनाओं को ठेस ना पहुंचाइए, इससे आपको थोड़ा सा पाप दोष लग सकता है। बस अपने कार्य से कार्य और अपने मतलब से मतलब रखिए, बहुत ही अच्छा आपका दिन निश्चित रूप से निकल जाएगा। मीन राशि, अंतिम राशि आ गई। मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। क्या करना है इसमें? पैसों के खास मामले में आप सलाह लेंगे, जरूर लेंगे, क्योंकि धन संपत्ति के बारे में जरूर निर्णय लेना है आपको। और दूसरी बात, परिवार के साथ आपका समय भी साथ भी बीतेगा, यानी आप स्वयं अपने लिए भी प्लानिंग करेंगे और आगे आने वाले समय में कुटुंब से संबंधित प्लानिंग में भी आज आप बिजी रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सब लोगों को साथ में लेके चलना एक बहुत दुष्कर कार्य होता है, लेकिन आज आपको करना पड़ेगा। क्या करना है आज आपको? किसी भी मंदिर में घी का दीपक जरूर जरूर जलाना चाहिए। विशेष रूप से जल तत्व यानी मीन राशि ऐसी राशियों को शुभ रंग आज आपके लिए नीला, ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जिसको कहते हैं, वो भी आज आप यूज कर सकते हैं। भीड़ वाली जगह से दूर रहना चाहिए और आज आपको काले वस्त्र और काली वस्तुओं से भी, वाहन इत्यादि से भी थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। तो मीन राशि वालों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर। क्या करना है, कब, कितना, कैसे? मित्रों की राशियां, शत्रुओं की राशियां, घर परिवार कुटुंब की राशियां सबकी देखिए एक बार, बहुत कम समय में, लेकिन पूरे दिन को सुव्यवस्थित कर लीजिए। और हो सकता हो छोटे छोटे उपाय करते हुए कोई आपके बड़ी समस्या अपने आप ही हल हो जाए, कौन जानता है। भारत समाचार के सभी दर्शकों को आज की हार्दिक शुभेच्छा। चलिए आचार्य जी, आपने राशिफल तो बता दिया, लेकिन आज का पंचांग क्या है ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, पंचांग यानी पांच प्रकार की वस्तुएं इसमें। दिनांक 3 जुलाई 2019, प्रतिपदा तिथि यानी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि यानी दूसरा पक्ष आषाढ़ मास का। आर्द्रा नक्षत्र है सुबह प्रातःकालिक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का भी प्रमाण मिलेगा। आज राहु काल 12:10 से 1:53 तक सिद्ध हुआ है। पुनः शुभ समय 10:47 से 12:35 तक पुनः सिद्ध हुआ है। और विशेष रूप से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र की भी
शुरुआत यानी स्थापना होती है। चार नवरात्र होते हैं जिसमें दो गुप्त दो प्रकट, तो आज दूसरा गुप्त नवरात्र की भी आज का प्रमाण मिलता है। माता रानी की विशेष पूजन इत्यादि करने से, माँ दुर्गा की विशेष पूजन इत्यादि, माँ काली की विशेष पूजन इत्यादि करने से निश्चित रूप से अच्छा लाभ भी होगा और प्रतिकूल प्रभाव नष्ट होंगे। भारत समाचार के सभी दर्शकों को आज के पंचांग की शुभेच्छा। आचार्य जी बहुत बहुत आभार। अब अगर दर्शक आचार्य जी से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आप जल्दी से उनकी मेल आईडी नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लिए। पहले मेल आईडी देखिए, मेल आईडी जो है वो आचार्य नक्षत्रा @rediffmail.com पर आचार्य जी उपलब्ध है। अगर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप उनके नंबर पर उन्हें कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 8004036524 पर। तो भाई 5 जुलाई को देश का बजट आने वाला है। निर्मला सीतारमण से देश की तमाम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि उनके लिए क्या सौगात आने वाली है। इसमें किसानों को क्या सौगात चाहिए वो उन्होंने कल बताया। मैंने कल कुछ किसानों से बातचीत करी, उनके दिल में क्या था वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। हम यूं गए और यूं आए। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है? अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ।